नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियों की व्यापक समीक्षा कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया, संकट से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 11 मार्च तक होली की छुट्टियों के लिए स्थगित। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, यस बैंक के पुनर्गठन और इसके खाताधारकों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने कहा कि आज स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कोविड 19 पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें सभी राज्यों, अस्पतालों, रेलवे, रक्षा, अर्धसैनिक बलों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्री संजीव कुमार ने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना वायरस की जांच 9 और हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। अब 30 हवाई अड्डों पर कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश में एक और व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इसकी संख्या 31 हो गई है। इस व्यक्ति ने हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा की थी। संजीव कुमार ने बताया कि उसे अस्पताल में अलग रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है। कोविड-19 का एक और पॉजिटिव केस हमारे देश में मिला है। इनकी थाईलैंड और मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है। अभी ये हॉस्पिटल क्वारंटाइन में हैं और स्टेबल हैं। इस प्रकार से हमारे देश में अब तक 31 कंफर्म्ड केसेस मिले हैं और इनमें से 16 इटली के सिटीजन्स हैं। सचिव संजीव कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित अस्पतालों के मालिकों के साथ भी तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि सरकार वुहान की तरह ईरान से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया में है। नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तैयारियों के बारे में उन्होंने आज नई दिल्ली में कहा कि ईरान से भारतीयों को वापस लाने से पहले वहां उनकी जांच के लिए उन्नत परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने संक्रमण के कारण टिकट रद्द कराने का शुल्क न लेने का फैसला किया है। इस नई स्थिति से निपटने के लिए हम भारत में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। 17 तारीख को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्रवाई से 2 सप्ताह पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ कई इकाई इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और हवाई अड्डा प्राधिकरण दिल्ली, एयर इंडिया, DGCA सब साथ हैं। वी हैव द एयरपोर्ट अथॉरिटी, दिल्ली एयरपोर्ट, एयर इंडिया, DGCA। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड-19 पर नियंत्रण होने तक सामूहिक आयोजनों से बचने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति में राज्य आयोजकों को पर्याप्त सतर्कता और एहतियाती उपाय बरतने को कहें। मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञों ने इस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए भीड़भाड़ से बचने का परामर्श दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय बैंक कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों से अर्थव्यवस्था को संरक्षित रखने के हर उपाय करेगा। आज मुंबई में उद्योग जगत के एक कार्यक्रम में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत पर इसका असर सीमित रहेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक मूल्य श्रृंखला से अधिक नहीं जुड़ी है। The Reserve Bank stands ready। कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए रिजर्व बैंक पूरी तरह तैयार है। हम आश्वस्त करते हैं कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है और सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हम तैयार हैं। The RBI is ready to deal with it। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में मदद के लिए 8 अरब 30 करोड़ डॉलर के विधायी उपायों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को दवाइयों, टीकों, परीक्षणों और संभावित उपचार के लिए राशि मिलेगी तथा संक्रमण से निपटने की तैयारियों में मदद मिलेगी।
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बढ़ते आर्थिक तनाव के बीच बम्बे शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में शुरुआती कारोबार में आज 1400 से अधिक अंक की गिरावट आई है। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 927 अंक गिरकर 37548 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 291 अंक की गिरावट के साथ 10978 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 53 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर की कीमत 73.86 रूपये बोली गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 11 मार्च तक होली की छुट्टियों के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली हिंसा पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही आज पांचवें दिन भी स्थगित करनी पड़ी। सदन की बैठक शुरू होते ही कुछ विपक्षी सदस्यों ने सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाने शुरू कर दिए। शोर शराबा नहीं रुकने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सभापति ने चेतावनी दी कि नारे असंसदीय और शर्मनाक हैं। उन्होंने सदस्यों के नाम दर्ज करने की चेतावनी दी। लोकसभा में शोर शराबे के बीच चर्चा हुए बिना दो विधेयक पारित किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। इनमें वायुयान संशोधन विधेयक 2020 और दिवालिया तथा ऋण शोधन अक्षमता द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विपक्षी सदस्यों के सदन में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले सप्ताह में सदन में हुए घटनाक्रम के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करेंगे जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे। सत्र की शेष अवधि से कांग्रेस के 7 सांसदों के कल निलंबन पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए श्री जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष समिति की अध्यक्षता करेंगे। श्री जोशी ने कल सदन में हुए घटनाक्रमों को अभूतपूर्व बताया। इससे पहले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने नियमों का हवाला देते हुए पार्टी सदस्यों के निलंबन को निराधार बताया। तृणमूल कांग्रेस के सुधीर बंदोपाध्याय, डीएमके के दयानिधि मारन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने अध्यक्ष से निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया। जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह ने कहा कि निलंबन ने सदस्यों के लिए उदाहरण पेश किया है ताकि भविष्य में कोई इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो। भाजपा के निशिकांत दुबे ने निलंबन का समर्थन किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा है कि यस बैंक के पुनर्गठन के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खाताधारकों का पैसा सुरक्षित है। एक मूव किया गया है जिससे कि डिपॉजिटर्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो सेफ रहे, और रिजर्व बैंक ने साफ साफ कहा है इसके बारे में कि डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट सेफ रहेंगे। ये आश्वस्त करना चाहता हूं सबको, डर की कोई जरूरत नहीं। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर हर संभव समाधान करने के लिए काम कर रहे हैं। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि रिजर्व बैंक ने उचित कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बैंक के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाएगी। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा। नामांकन 13 मार्च तक भरे जा सकते हैं। पर्चों की जांच 16 मार्च को होगी और 18 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 26 मार्च को चुनाव संपन्न होने के एक घंटे बाद ही मतगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इकोनॉमिक टाइम्स विश्व व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में विश्वभर से प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय है वैश्विक मंदी के दौर में स्थायी विकास के लिए मिलकर काम करना। सूचना आयुक्त बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में बिमल जुल्का को पद की शपथ दिलाई। मैं बिमल जुल्का, जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं,
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान ओलावृष्टि के साथ बेमौसम बारिश हुई। अहमदाबाद शहर में भी कल शाम एक घंटे तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इस बीच सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई हिस्सों में भी बेमौसम बारिश होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार इस बेमौसम बारिश से गेहूं, चना और खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। हिमाचल में शिमला सहित कई हिस्सों में सुबह से बर्फबारी हो रही है। जनजातीय इलाके लाहौल स्पीति के ऊंचे स्थानों पर हल्की बर्फबारी हुई। परिणाम स्वरूप रोहतांग दर्रे पर मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फ हटाने का काम बाधित हुआ। उधर उत्तराखंड में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही ऊंचाई पर बर्फबारी और लगातार मध्यम बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी जीत रहा है देश, नारी को सम्मान देकर, शौचालय बनवाकर। शौच सुबह के अंधेरे में जाओ या रात को, शौचालय बना तो अंधेरा छटा। जीत बड़ी कर रहा है देश। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजाद कर। रसोई से तो बस अम्मा के खांसने की आवाज आती थी, अब देखो गुनगुनाती भी है। जीत बड़ी दिख रही है ये जीत, जब घर हो रहे हैं महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले सिर्फ नाम की घरवाली थी, अभी सच की घरवाली हूँ। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी हर एक काम देश के नाम, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। हम पूरे देश के आदिवासी महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि खुद को आत्मस्वावलंबन बनाने के दृष्टि से, रोजगार के दृष्टि से और भविष्य को बेहतर बनाने के दृष्टि से अधिक जुड़े, और जिसमें हम पूरे जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसे कौशल विकास के साथ जोड़ रहे हैं। श्री अर्जुन मुंडा के साथ ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। पंजाब में भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमा रही हैं। एक रिपोर्ट। रेलवे महिला सशक्तिकरण सप्ताह मना रहा है। इसी कड़ी में एक लोको क्रू ट्रेन चलाई गई है जो महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें काम करने का भी भरपूर मौका देने के लिए रेलवे के प्रयासों में से एक है। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी चलाने से पहले महिला लोको पायलट दीप्ति मांडेकर और उनकी सहायक भारती से आकाशवाणी संवाददाता ने बात की। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, ये मेरा ड्रीम था कि मैं ट्रेन चलाऊं और मैं आगे जाके शताब्दी राजधानी और वंदे भारत में चलाऊं। इसके बाद दोनों पैसेंजर ट्रेन लेकर अम्बाला से नंगल डैम के लिए रवाना हुई। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया, संकट से अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 11 मार्च तक होली की छुट्टियों के लिए स्थगित। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, यस बैंक के पुनर्गठन और इसके खाताधारकों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।